नमस्कार स्वागत है आपका बक्सर खबर के डेली समाचार बुलेटिन में हमारी खबरों के मुख्य प्रायोजक हैं आर के ज्वेलर्स पुराना चौक इस धनतेरस मिल रही है बीस प्रतिशत तक की छूट पंकज टेलर्स एवं लगन साड़ी अम्बेडर होटल के सामने बक्सर नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर छठ में वापसी के लिए चलेंगी पांच जोड़ी अतिरिक्त ट्रेने स्टेशन पहुंचे डीएम ने किया यात्री सुविधाओं का निरीक्षण दिया निर्देश राजपुर के चपटही में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन निराला ने बढ़ाया उत्साह रामकर्म भूमि न्यास का मनाया गया तीसरा स्थापना दिवस आकर्षण का केंद्र बना गंगा में तैरता फ्लोटिंग हाउस पहुंचे केंद्रीय मंत्री सरकार से नाराज डीलर संघ ने एक दिसंबर से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी नगर थाने के अभियान में 10 जुआरी गिरफ्तार तिरालीस हजार बरामद बालू तस्करों का नया रूट बना इटारी धनसोई मार्ग रात में हो रही है ढुलाई खबरें विस्तार से के प्रायोजन नए जमाने की मजबूत सरिया जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर अब खबरों की चर्चा विस्तार से छठ का त्यौहार समाप्त हो गया है अन्य प्रदेशों से कामगार लोग जो अपने घर लौट कर आए थे अब वापसी के इंतज़ार में परेशान हैं इन लोगों की सुविधा के लिए रेलवे ने पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है यह जानकारी बीते दिन हाजीपुर जोन के जीएम ने बक्सर स्टेशन के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों को दी थी साथ ही आपको यह भी हम बता दें जब तक ट्रेन में यात्री चढ़ नहीं जाते या उतरने वाले उतर नहीं जाते तब तक ट्रेनें प्लेटफार्म से नहीं खुलेंगी इसका भी विशेष निर्देश दिया गया है बुलेटिन की दूसरी सुर्खी भी इसी से जुड़ी हुई है स्टेशन पर यात्रियों को कैसी सुविधा मिल रही है इसका जायजा लेने के लिए बीते दिन जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल अधिकारियों की टीम के साथ स्टेशन पहुंच गए मंगलवार को उन्होंने प्लेटफार्म संख्या एक यात्री प्रतीक्षालय प्लेटफार्म संख्या दो पर स्वयं जाकर पूरी जानकारी एकत्र की उनके साथ अधिकारियों का दल था डीएम ने कहा छब्बीस नवंबर तक यहाँ स्टेशन पर पदाधिकारी तैनात रहें उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम हो और समय समय पर इसकी निगरानी की जाए बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है राजपुर विधानसभा क्षेत्र के चपटही गांव में बीते दिन कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ मंगलवार को आयोजित की गई इस प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री व राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष संतोष निराला ने किया उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों की प्रशंसा करते हुए कहा इस तरह के आयोजन से लोगों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है रामचंद्र पहलवान अखाड़ा पर आयोजित कार्यक्रम में बलिराम सिंह बीडीसी सदस्य दीप नारायण साहब पूर्व मुखिया आदि अनेक लोग उपस्थित हैं बुलेटिन की चौथी सुर्खी है राम कर्म भूमि न्यास के स्थापना के तीन वर्ष हो चुके हैं अक्षय नवमी के दिन वर्ष 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी इसके अध्यक्ष कृष्णकांत झा एवं न्यास के सदस्य केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे आदि ने तीसरा स्थापना दिवस पटना में मनाया बुलेटिन की पांचवीं सुर्खी है शहर में इन दिनों फ्लोटिंग हाउस आकर्षण का केंद्र बना हुआ है इसकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं गंगा में तैरते इस घर का निर्माण आरा के इंजीनियर प्रशांत की टीम ने किया है यह प्रशांत की टीम है वे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से बातें कर रहे हैं बीते दिन अश्विनी चौबे अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस फ्लोटिंग हाउस का निरीक्षण करने पहुंचे थे उन्होंने इसकी बनावट की प्रशंसा की बुलेटिन की छठी सुर्खी है डीलर संघ एक दिसंबर से हड़ताल पर जा सकता है फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने मंगलवार को रेड क्रॉस भवन में बैठक की उन्होंने कहा हमारी आठ सूत्री मांग बरसों से लंबित पड़ी है राज्य सरकार ने अगर उस पर विचार नहीं किया तो एक दिसंबर से हम सभी हड़ताल पर चले जाएंगे बुलेटिन की सातवीं सुर्खी है नगर थाने की टीम ने छठ की रात शहर के दो तीन इलाकों में छापेमारी की गोला बाजार हनुमान फाटक इन इलाकों से कुल दस लोग जुआ खेलते गिरफ्तार किए गए एक जगह से इकतालीस हजार आठ सौ सत्तर रुपये और हनुमान फाटक से एक हज़ार नौ सौ नब्बे रुपये अर्थात तिरालीस हज़ार से अधिक रुपए भी इस छापेमारी में जब्त हुए हैं बुलेटिन की आठवीं सुर्खी आपके लिए चौंकाने वाली है आप इस दृश्य को देख रहे हैं यह धनसोई बाज़ार का नज़ारा है यह सड़क अक्सर दिन में वा बड़े वाहनों के आने जाने लायक नहीं रहती क्योंकि सड़क संकीर्ण हो गई है लेकिन इन दिनों बालू के तस्करों ने इटाढ़ी धनसोई मार्ग को तस्करी के लिए मुफीद मार्ग बना लिया है अगर वे एन से डुमराव की तरफ से आते हैं तो टोल का झाम है राजपुर कोचस चौसा मुख्य मार्ग को बालू लदे ट्रकों ने तोड़ दिया है वह चलने लायक नहीं है इन लोगों ने अब बीच का रास्ता निकाला है दिनारा से धन आते हैं और रात के वक्त बक, बक्सर पहुंच जाते हैं इसकी हम विशेष रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे अब चलते चलते आपके लिए एक छोटी सी सूचना प्रत्येक रविवार को बक्सर खबर दिव्य दर्शन नाम से एक साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है जिसमें आप देश के विभिन्न मंदिरों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं आज के बुलेटिन में बस इतना ही आप देख रहे हैं बक्सर खबर हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद